नमस्कार, मैं मुस्कान चौरसिया, इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसे लॉन्च करते हुए मोदी ने कहा, इस प्लेटफॉर्म पर फेसलेस आकलन, फेसलेस आवेदन और करदाता चार्टर है। फेसलेस आकलन और करदाता चार्टर आज से प्रभाव में आ रहे हैं, जबकि फेसलेस आवेदन 25 सितंबर से प्रभावी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा, पिछले 6 से 7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले की संख्या में करीब 2.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन ये भी सही है कि 130 करोड़ के देश में ये अभी भी बहुत कम है। इतने बड़े देश में सिर्फ 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स भरते हैं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली के तुगलकाबाद का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सड़क पर जल भराव के बीच बहुत सारे लोग बैलगाड़ी पर सवार होकर जाते व बैल के हिलने के बाद पानी में गिर जाते दिख रहे हैं। उन्होंने लिखा, ये 14वीं सदी के तुगलक की नहीं है, बल्कि 21वीं सदी की तुगलक की दिल्ली है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बताया कि खुद को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बताकर कोरोना वायरस संक्रमण के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आगे कहा कि आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच चल रही है। टाइम्स नाउ को मिले सुशांत सिंह राजपूत की निजी डायरी के पन्नों में 2020 के लिए उनके लक्ष्य सामने आए हैं। इन लक्ष्यों में हॉलीवुड में काम करना, एक प्रोडक्शन कंपनी बनाना जो शीर्ष लेखकों को काम पर रखेगी और उभरती हुई टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शामिल है। टाइम्स नाउ के अनुसार ये नोट्स अक्टूबर नवम्बर 2019 के करीब लिखे गए थे। फिल्म गुंजन सक्सेना में वायुसेना के वर्क क्लचर की नकारात्मक छवि दर्शाने पर IAF ने आपत्ति जताते हुए धर्मा प्रोडक्शन, नेटफ्लिक्स और CPFC को पत्र लिखा। IAF ने लिखा, फिल्म में गुंजन सक्सेना की भूमिका को महिमा मंडित करने के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां दिखाई गई है जो भ्रामक है और IAF में अनुचित वर्क क्लचर को चित्रित करती है, खासकर महिलाओं के खिलाफ। कर्नाटक सरकार में मंत्री CT रवि ने बेंगलोर हिंसा को लेकर कहा कि हिंसा के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए पेट्रोल बम और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा, हमारे पास संदिग्ध है, लेकिन जांच के बाद ही इनकी पुष्टि हो सकती है। हम दंगाइयों से संपत्तियों के नुकसान की भरपाई उत्तर प्रदेश की तरह करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी के निधन पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने कहा, कांग्रेस के युवा प्रवक्ता राजीव त्यागी जी का निधन आहत करने वाला है। उन्होंने आगे कहा, राजनीतिक ने हमारे सामाजिक संबंधों को स्पर्श तक नहीं किया। कुछ ही दिन पूर्व फोन आया था, आम भेज रहा हूँ। मैंने कहा, राजीव जी थोड़ी हरी सब्जी भी भेज दीजिएगा। अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा धारकों को अमेरिका आने की सशर्त अनुमति दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार H-1B वीजा धारक उसी कंपनी के साथ नौकरी कर लौटना चाहते हैं जिसके साथ वह प्रतिबंधों की घोषणा से पहले जुड़े थे, तो उन्हें वापसी की अनुमति होगी। अमेरिका द्वारा सालाना जारी होने वाले H-1B वीजा में से 70% भारतीयों को मिलते हैं। आर्मी RR हॉस्पिटल ने गुरुवार को सुबह को बताया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोमा में है, लेकिन उनके BP, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, शरीर का तापमान जैसे आवश्यक शारीरिक मानक स्थिर है। बतौर हॉस्पिटल उनकी हालात में सुधार नहीं हुआ है, वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। इससे पहले मुखर्जी के बेटे अभिजीत ने उनके निधन की खबरों का खंडन किया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की अफवाह पर उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट किया है, मेरे पिता अभी जीवित है और हेमोडायनामिकली रूप से स्थिर हैं। उन्होंने आगे लिखा, प्रतिष्ठित पत्रकारों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही अटकलों और फर्जी खबरों से साफ जाहिर होता है, भारत में मीडिया फेक न्यूज का कारखाना बन गया है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि स्वदेशी का मतलब ये नहीं है कि सभी विदेशी उत्पादों का बहिष्कार कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि विदेशी सामान अपनी शर्तों पर लिया जाए और सिर्फ उन चीजों व टेक्नोलॉजी का आयात किया जाए जो देश में मौजूद नहीं है, जिनकी पारंपरिक तौर पर कमी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास का COVID-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने बताया, मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली है। उन्होंने मथुरा के जिलाधिकारी से और मेदांता के डॉक्टर नरेश त्रिहान से बात कर उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता पहुँचाने को कहा है।
लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार सरकार कोरोना संकट और बाढ़ से निपटने में फेल हो रही है। चिराग ने कहा, बाढ़ को लेकर बिहारवासी हर साल ऐसी तस्वीर देखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 साल से सत्ता में है, फिर भी क्या बदलाव आया। उन्होंने कहा कि सिर्फ वर्चुअल रैली के जरिए सबसे नहीं जुड़ा जा सकता। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने पटना के सचिवालय थाने में शिवसेना सांसद संजय राउत, मुंबई पुलिस कमिश्नर और बीएमसी मेयर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। दर्ज शिकायत के मुताबिक सभी पर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में अवरोध उत्पन्न करने का आरोप है। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने सभी की गिरफ्तारी की मांग की है। 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार सुमार फ्रेजर रोड, न्यू डाक बंगला चौराहा, जेपी गोलंबर, एग्जीबिशन रोड पर आम लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। यह प्रतिबंध सुबह 7 बजे से कार्यक्रम के खत्म होने तक लागू रहेगा। इस बाबत बुधवार देर शाम एसएसपी व एसपी ट्रैफिक ने आदेश जारी किए। भारत में कोरोना वायरस से रिकवरी हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों से 10,42,360 अधिक हो गई है। कोरोना वायरस से अब तक 16,95,860 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 6,91,999 है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 67,066 मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 23,95,471 हो गए हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर बहस के बीच आलिया भट्ट अभिनीत सरक 2 का ट्रेलर 24 घंटे से कम समय में यूट्यूब पर सर्वाधिक नापसंद किया ट्रेलर बन गया है। इसे 2.6 लाख लोगों ने लाइक जबकि 46 लाख लोगों ने डिसलाइक किया है। इसके निर्देशक महेश भट्ट हैं और इसमें संजय दत्त, पूजा भट्ट व आदित्य रॉय कपूर भी हैं। एप्पल के सप्लायर फॉक्सकॉन के चेयरमैन योंग लियू के अनुसार ट्रेड वॉर के कारण दुनिया के कारखाने के रूप में चीन के दिन खत्म हो गए हैं। लियू ने कहा कि कंपनी अब अपनी क्षमता का चीन के बाहर अधिक विस्तार कर रही है। योंग के मुताबिक चीन के बाहर का उत्पादन अनुपात अब 30% है, जो पिछले जून में 25% था। रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकटॉक के भारतीय कारोबार में निवेश के लिए बाइटडांस मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री के साथ बातचीत कर रही है। खबरें हैं कि दोनों कंपनियों के बीच पिछले महीने के आखिरी में बातचीत शुरू हुई, लेकिन अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। बतौर रिपोर्ट्स, टिकटॉक की भारतीय कारोबार का मूल्य $3 अरब से अधिक है। आज भारतीय शेयर बाजार में मामूली गिरावट दर्ज की गई, सेंसेक्स 59 वही निफ्टी 7 अंक टूटा। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1936 में स्वतंत्रता सेनानी भिकाजी कामा का निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।